हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल सेलर हब में फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलाइट शिप मैनेजमेंट कंपनी के बारे में। एक भाई का मुझे कमेंट आया था कि भाई इलाइट शिपिंग कंपनी के ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो बनाओ, हमें बताओ कि इस कंपनी में कैसे ज्वाइनिंग करें। अगर हमने जीपी रेटिंग की है तो क्या हम जीपी रेटिंग के बाद इस कंपनी में जा सकते हैं, या हमारे पास ओपन सीडीसी है तो क्या ओपन सीडीसी के बाद भी हमको ये कंपनी लेगी कि नहीं लेगी। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम इन सब टॉपिक पे बात करेंगे। तो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है गाइज, अगर गाइज आपको ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाइज, एलाइट शिप मैनेजमेंट कंपनी बेसिकली जो है गाइज वो एक इंडियन बेस्ड कंपनी है, और इस कंपनी का जो हेड ऑफिस है गाइज वो अंधेरी वेस्ट में इस कंपनी का हेड ऑफिस है, जिसका एड्रेस गाइज मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और इलाइट शिपिंग गाइज एक आरपीएसएल रजिस्टर्ड कंपनी है, और इस कंपनी का आरपीएसएल नंबर जो है वो MUM043 है, जो कि डिजी शिपिंग द्वारा अप्रूव्ड है। और इलाइट शिपिंग गाइज जो है वो क्रू मैनिंग का काम करती है। इस कंपनी के पास खुद के वैसल नहीं है, बट ये दूसरी कंपनियों के लिए रिक्रूटमेंट करती है। इलाइट शिपिंग जो है गाइज वो नॉर्वे की कंपनी है, गियर वर्क उसके लिए मैनिंग करती है। और गियर वर्क शिपिंग गाइज नॉर्वे की बहुत ही अच्छी और पुरानी रेपुटेटेड कंपनी है। गियर वर्क के पास गाइज आपको जो है वो बल्क कैरियर और कंटेनर वेसल मिलेंगे, और मोस्टली इस कंपनी के पास जो है गाइज वो अबव 40,000 GRT के वेसल है। इससे कम GRT के आपको एक दो ही वेसल मिलेंगे, अदरवाइज इस कंपनी के पास सारे बड़े बड़े GRT के वेसल्स हैं। और इलाइट शिपिंग गाइज एक बहुत अच्छी कंपनी है, ये कंपनी आपका रिक्रूटमेंट के लिए कोई सर्विस चार्ज नहीं लेती, आपको फ्री में ज्वाइनिंग देती है। अगर गाइज आपको इलाइट शिपिंग में ज्वाइन करना है तो गाइज आप एक एक्सपीरियंस के बाद इस कंपनी में ट्राई कर सकते हो वॉच कीपिंग के बाद, क्योंकि ये कंपनी अब फ्रेशर को हायर नहीं करती है, पहले करती थी बट अभी नहीं करती है, अभी एक्सपीरियंस क्रू को ही उठाती है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, एक सेल किया है, वॉच कीपिंग है, तो आप इस कंपनी में ट्राई कर सकते हो। और गाइज अगर आप ओपन सीडीसी होल्डर हो और आपके पास एक अच्छे जीआरटी का एक्सपीरियंस है, आपके पास वॉच कीपिंग है, सीओपी है, तो भी गाइज आप सीओपी के बाद इस कंपनी में ट्राई कर सकते। और सैलरी की बात करें तो गाइज इस कंपनी में सैलरी अच्छी है, ऑफिसर और क्रू दोनों की सैलरी अच्छी है। इस कंपनी में गाइज एवियोलर की जो सैलरी है गाइज वो $900 से $1200 तक जाती है इस कंपनी में, तो सैलरी के मामले में अच्छी है गाइज सैलरी, जो आपको एज पर मार्केट रेट के हिसाब से इस कंपनी में सैलरी मिलती है। और गाइज सैलरी जो वो टाइम टू टाइम मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है सैलरी में। और गाइज ये कंपनी अपने एम्प्लॉयज को जो है परमानेंट एम्प्लॉय देती है, अगर आप इस कंपनी में एक बार सिलेक्शन होता है तो आपको ये परमानेंट एम्प्लॉयमेंट देती है। और इस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड भी गाइज बहुत अच्छा है, ये ऑफिसर को 4 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट देती है और क्रू को जो है वो 9 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड देती है। अगर गाइज आपको इस कंपनी में अप्लाई करना है तो गाइज इस कंपनी का ईमेल एड्रेस भी गाइज मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और गाइज इस कंपनी के पोर्टल का लिंक भी दे दूंगा। गाइज वहां पे जाके अपना पोर्टल में फॉर्म फिल करके भी गाइज आप इस कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। और गाइज अगर आप ओपन सीडीसी होल्डर हो और आपके पास अच्छे जीआरटी का एक्सपीरियंस है, आपके पास वॉच कीपिंग सीओपी है, तो गाइज आप सीओपी के बाद आप भी आरपीएसएल कंपनीज में ट्राई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ओपन सीडीसी वालों को सीओपी या वॉच कीपिंग के बाद कंपनी नहीं लेती है, बहुत सी ऐसी कंपनी है जो सीओपी और वॉच कीपिंग के बाद ओपन सीडीसी होल्डर को ले लेती है। तो गाइज अगर आपके पास वॉच कीपिंग सीओपी है तो आप भी आरपीएसएल कंपनी से छोटी आरपीएसएल कंपनी में ट्राई कर सकते हो। और गाइज इलाइट शिपिंग जो है वो बहुत अच्छी कंपनी है, आरपीएसएल कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है। और गाइज इसकी जो नॉर्वे की कंपनी है गेयर वर्क, जिसके लिए मैनिंग करती है, उस कंपनी के पास 132 वैसल है, उसमें आपको वर्ल्ड कैरियर और टैंकर वैसल मिलेंगे और अच्छे जीआरटी के वैसल हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये कंपनी आपको रीज्वाइनिंग भी देती है गाइज, और कॉन्ट्रैक्ट भी अच्छा है, खाना पीना सब इसमें मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। और इस कंपनी के जो वैसल है गियर वर्ल्ड के, उस पे आपको मिक्स क्रू मिलता है, ऐसा नहीं है कि इंडियन रहेगा, मिक्स क्रू रहता है, इंडियन रहते हैं, चाइनीज होते हैं, जापानीज में रहता है, फिलीपींस क्रू रहता है, मतलब मिक्स क्रू रहता है इस कंपनी में, और सब मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है काम करने के लिए। गाइज इलाइट शिपिंग भी अच्छी कंपनी है, अगर आपको जॉब नहीं मिलता है, अगर आपने जीपी रेटिंग की है और आपने एक छोटा वेसल मार के सेल करके अपना वॉच कीपिंग निकाला है, तो वॉच कीपिंग निकाल के फिर आप इस कंपनी में ट्राई करो, डेफिनेटली आपको ये कंपनी ले लेगी। बट अभी इस कंपनी के पास ज़्यादा वैकेंसीज नहीं रहती हैं, थोड़ी वैकेंसीज रहती हैं, बट अगर आप के पास वॉच कीपिंग है तो आप इस कंपनी में ट्राई कर सकते हो। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना था, अगर गाइज आपको ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूले। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।